तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वोमेन के बीच जो वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है इंडिया का टीम जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट में लगातार मुकाबले इन्होंने जीती है, और दूसरी तरफ है दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन की टीम जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है और रिसेंट के सारे मुकाबले ये हार कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय कंफ्यूजन भी हो रही होगी, तो खास करके हम लोग ये जानेंगे कि कौन से तीन चार ऐसे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें इंडिया वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी मतलब 7 या 8 खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 4 तारीख को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड की खास बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर वोमेन्स के उतने मुकाबले नहीं हुए हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों यहाँ पर वोमेन्स के उतने मुकाबले नहीं हुए हैं, तो मात्र 5 ही T20 के मुकाबले हुए हैं अभी तक पूरे इतिहास में, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 3 बार, और ये ज्यादा बड़ी टीम नहीं UAE नामीबिया जैसी टीम इन्होंने खेली है। और एवरेज स्कोर यहाँ पर मात्र 89 रन का है, हाईएस्ट स्कोर UAE ने बनाया है 110 रन UAE वोमेन ने, और लोएस्ट स्कोर भी 66 रन का है UAE वोमेन का। तो दोस्तों ये ग्राउंड का पिच है आप लोग देख सकते हैं, और जो 5 मुकाबले हुए हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि एक तो बड़ा ग्राउंड है, ऊपर से दोस्तों वुमेन्स के मैचेस में हाई स्कोरिंग मैचेस थोड़े कम होते हैं, तो पांचों का पांचों मुकाबला 150 के नीचे रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है कि ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, बॉलर्स पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर छक्के चौके थोड़े कम आपको देखने को मिलेंगे बाकी ग्राउंड्स के मुताबिक। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब दोस्तों, ये तो हो गई पिच रिपोर्ट ओवरऑल, अब डायरेक्ट रिसेंट के जो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो 2023 में दोस्तों यहाँ पर पिछला मुकाबला हुआ था जिसमें UAE वोमेन ने 66 रन की टारगेट दी थी, और उस टारगेट को नामीबिया वोमेन आसानी से चेस करके 8 विकेट दी थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उसी सीरीज में एक और मुकाबला हुआ था जिसमें नामीबिया वोमेन एक बार फिर बाजी मारी थी, UAE वोमेन को हराई थी 7 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली दोस्तों और स्पिनर्स को भी 5 विकेट। तो पिछले दोनों मुकाबले तो नामीबिया वोमेन जीती ही है, साथ में आपको देखने को मिलेगा कि उतना ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोर यहाँ पर आपको नहीं मिला है, बॉलर्स को भी मदद मिली है, और रिसेंट के दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो मतलब यहाँ पर स्पिन बॉलर को भी आपको मदद मिलते हुए दिखेगी, और दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन स्पिन बॉलर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इनिंग में पिछले दोनों मुकाबले में फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके थोड़े से विकेट गिरने के ज्यादा चांसेस हैं, वो चीज आपको गौर करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग पूरा दंग रह जाइएगा देखकर, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया वोमेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों टीम्स के बीच 13 मुकाबले हुए हैं दोस्तों हेड टू हेड में T20 में, और 13 में से 4 मुकाबला दोस्तों इंडिया वोमेन मात्र जीती है और न्यूजीलैंड वोमेन 9 मुकाबला जीती है। मतलब साफ है कि भले ही दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन का रिसेंट का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो, एक भी मुकाबला नहीं जीती हो, और इंडिया वोमेन रिसेंट में चारों का चारों मुकाबला जीती हो, लेकिन हेड टू हेड में दोस्तों बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देती है न्यूजीलैंड वोमेन इंडिया वोमेन के खिलाफ। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इंडिया वोमेन आसानी से जीत जाएगी, कांटे के टक्कर देखने को मिलेगी। तो न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से भी कौन से खिलाड़ी पर आपको फोकस करना है वो भी मैं दोस्तों बताऊंगा। तो यहाँ पर ये तो हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड, अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में इंडिया वोमेन की दोस्तों प्लेइंग 11। तो यहाँ पर आप सभी को उतना कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा क्योंकि रिसेंट में अभी एशिया कप में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो दोस्तों यहाँ पर शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ओपनिंग करेंगी, फिर तीसरे नंबर पर हरमनप्रीत कौर आएंगी, फिर चौथे नंबर पर जमीमा रोजेस, फिर यष्टिका वाटिका, फिर रिचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर और श्रियंका पाटिल। तो प्लेइंग 11 ये रहने वाली है, और पावर प्ले में आपको 1 से 6 ओवर के बीच यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर और पूजा वस्त्राकर ज्यादातर चांस की बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी के ओवर में पूजा वस्त्राकर और राधा यादव। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर इंडिया वुमेन की प्लेइंग 11। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से एक चीज ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।
तो लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, साथ में दोस्तों जो मैच की वीडियो में नहीं अपलोड करता हूँ उस मैच की भी आपको यहाँ पर टीम मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सारे मैचेस के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंडिया वुमेन की जो प्लेइंग 11 है इनके सारे खिलाड़ी की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपनिंग करेंगी और पिछले कुछ मुकाबले में दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है। सबसे पहले शेफाली वर्मा की बात करें तो वार्म अप मैच में तो दोस्तों फ्लॉप हो गई थी, 0 रन और 7 रन, लेकिन रिसेंट में एशिया कप में दोस्तों 26 रन 81 रन 37 रन 40 रन 27 रन नॉट आउट, फिर 91 रन की भी पारी खेली है। स्मृति मंदाना का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पिछले दोनों वार्म अप मुकाबले में 21 रन 14 रन, लेकिन एशिया कप में दोस्तों 60 रन 55 रन 45 रन 54 रन 46 रन 47 रन, मतलब इंडिया वुमेन की दोनों ओपनर्स अच्छी फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा को आप लोग चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड वुमेन ऐसी टीम है जो कि आसानी से तो हार मानेगी नहीं, तो हो सके शेफाली वर्मा आउट हो जाए, और रिसेंट में इनका तीनों पिछले मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस ही रहा है। तो यहाँ पर शेफाली वर्मा को आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में ग्रैंड लीग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर से, तो मिडल ऑर्डर में आपको हरमनप्रीत कौर अभी वार्म अप मैचेस में दोस्तों फास्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखी हैं। तो अगर ये फास्ट डाउन बैटिंग करती हैं तो हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगी क्योंकि दोस्तों इनको वैसे भी बहुत ही कम लोग लिए हैं, पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 10 रन 1 विकेट की पारी खेली वार्म अप मैच में, लेकिन एशिया कप में दोस्तों इन्होंने 66 रन की पारी, 35 रन 30 रन 39 रन की भी पारी इन्होंने खेली है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हरमनप्रीत कौर बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं, इनके ऊपर उतना कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ये इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगी। और जो सबसे बड़ा नाम है दोस्तों मिडल ऑर्डर में जो कि दोस्तों बहुत ही कम लोग इनको लिए हैं, जिनका नाम जमीमा रोजर्स है, और ये इस मुकाबले के लिए हमारी सबसे बड़ी खिलाड़ी रहने वाली है, और ये स्मॉल लीग के लिए नहीं रहेंगी केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों इनका एक तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पिछले मुकाबले में 30 रन, फिर 52 रन, फिर एशिया कप में 28 रन 29 रन 53 रन 58 रन 38 रन, और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी इनको मात्र 25 से 30% लोग लिए हैं। तो सभी लोग शेफाली वर्मा स्मृति मंदाना पर फोकस कर रहे हैं, हरमनप्रीत कौर और जमीमा रोजर्स पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपको अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम में रखना है। स्मॉल लीग में तो दोस्तों सेफ प्लेयर पर ही फोकस करना है, एक दो प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में इन दोनों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी यष्टिका भाटिया का खेलने का चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन अगर खेलती हैं तो रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, 24 रन 36 रन 19 रन 49 रन, तो अगर ये खेलती हैं तो दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तभी आपको इनको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। रिचा घोष का भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो रिचा घोष ऐसी हैं जो कि प्रमोट भी हो जाती हैं, और अगर इंडिया के वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों रिचा घोष आप लोग के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेंगी, नहीं तो आप लोग इनको ले सकते हैं क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देती हैं, पिछले मुकाबले में 36 रन, एशिया कप में 6 रन 64 रन और 30 रन की इन्होंने पारी शानदार खेली है। तो रिचा घोष कहीं ना कहीं अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तब ये परफॉर्मेंस कर जाती है। तो यष्टिका भाटिया को आपको मेगा ग्रैंड लीग में लेना है, रिचा घोष आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन हो सकती हैं। अब दोस्तों बेहतरीन ऑलराउंडर्स की बात करें तो इंडिया वुमेन की टीम में दो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर, जो कि रिसेंट में अभी एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही हैं। दीप्ति शर्मा 35 रन 1 विकेट 13 रन 2 विकेट अभी वार्म अप मैच में, उससे पहले 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट लगातार 1-1 विकेट ली है दोस्तों एशिया कप में। तो दीप्ति शर्मा को तो आपको आंख बंद करके लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। पूजा वस्त्राकर भी कहीं कम नहीं है क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में 3 विकेट ले चुकी हैं वार्म अप मैच में, रिसेंट में दोस्तों एशिया कप में 2-2 विकेट लगातार, फिर 4 विकेट 2 विकेट, फिर लगातार 2 मैच में 1-1 विकेट। तो दोनों ये ऑलराउंडर जो आपको दिख रही हैं ये दोस्तों इस मुकाबले में बेहतरीन ऑप्शन रहेंगी, सेफ ऑप्शन रहेंगी, तो इन पर आपको सेफ ऑप्शन पर फोकस करना है स्मॉल लीग की टीम में और सेफ टीम में। बाकी दोस्तों जो तीन यहाँ पर बॉलर आपको दिख रही हैं, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, इनको तो दोस्तों सभी लोग ले रहे हैं, और आपको जैसा कि पता है जो खिलाड़ी को सभी लोग लेता है वो सेफ खिलाड़ी बन जाता है, तो आपको सेफ खिलाड़ी तो आपको अपने से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में जा रहे हैं तो श्रियंका पाटिल पर फोकस कर सकते हैं, पिछले वार्म अप मुकाबले में 1 विकेट मिला है, लेकिन उससे पहले 2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 4 विकेट 2 विकेट ली हैं,
इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। बाकी रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव का परफॉर्मेंस वार ऑफ मैच में ठीक ठाक था, लेकिन एशिया कप में बहुत अच्छा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इन दोनों को तो दोस्तों सभी लोग लेंगे, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर। आप लोग श्रियंका पाटिल पर फोकस करिएगा मेगा ग्राइंडली की टीम में। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो बैटिंग सेक्शन से तो कम चांस है कि बदलाव होगा, बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर दोस्तों खेल सकती हैं आशा शोभना खेल सकती हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर यष्टिका वाटिया की जगह पर भी खेल सकती हैं। तो ये जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, सारा खिलाड़ी का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, चेंजेस होने का चांसेस तो दोस्तों कम है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, जो कि आप सभी को जानना जरूरी है कि इंडिया वोमेन का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन के खिलाफ। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें, तो ओपनर में देखा जाए शिफाली वर्मा का 2 मुकाबले में 59 रन बनाई है, 29 का एवरेज है। स्मृति मंदाना का 32 का एवरेज है, हरमनप्रीत कौर का 17 का है, और सबसे बेहतरीन है दोस्तों जमीमा रोजर्स का, जो कि मैंने आपको अभी एनालिसिस करते समय भी बताया था, 5 मुकाबले में 40 का एवरेज है, 200 से ऊपर इन्होंने स्कोर किया है। यष्टिका वाटिया का 26 का है, ऋचा घोष का कुछ खास नहीं है। और बॉलिंग सेक्शन से दीप्ति शर्मा का 6 मुकाबले में 6 विकेट है न्यूजीलैंड वोमेन के खिलाफ, पूजा वस्त्राकर का 2 विकेट है, राधा यादव का 5 मुकाबले में 7 विकेट है, बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है एक तो दोस्तों राधा यादव के ऊपर सेफ ऑप्शन रहेंगी, उसके बाद जमीमा रोजर्स मेगा ग्राइंडली के लिए, बाकी दोस्तों आप लोग तो ले ही सकते हैं, बाकी तो सेफ ऑप्शन है। तो राधा यादव जमीमा रोजर्स पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि राधा यादव को भी वैसे भी बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब न्यूजीलैंड वोमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए सूजी वेस्ट के साथ अमीला केर दिखेंगी, जो कि अभी वार ऑफ मैच में ओपनिंग कर रही थी। फिर सोफी डिवाइन आएंगी, फिर ब्रूक हेलडी आएंगी, फिर जॉर्जिया पिल्मर का दोस्तों चांसेस थोड़ा कम है, अगर ये खेलती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इनकी जगह पर बॉलर को खिलाया जाएगा। फिर यहाँ पर मैडी ग्रीन, इजाबेल जैक, उसके बाद कैस्परे जेस्केर, ली टाहू और फ्रैंक जोन्स। तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया है, जॉर्जिया पिल्मर की जगह पर हो सके एक बॉलर खेल जाए, लेकिन चांसेस कम है। पावर प्ले में ली टाहू और जेस्केर बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में सोफी डिवाइन और एल कैस्परे। तो ये रहेगी दोस्तों अब न्यूजीलैंड वोमेन की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंट में इन्हें मतलब ये उतने ज्यादा मैचेस जीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। सूजी बेस्ट और अमेलिया केर ओपनिंग करेंगी, और वार्म अप मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। सूजी बेस्ट का पिछले मुकाबले में तो 3 रन था, लेकिन अमेलिया केर का दोस्तों 64 रन था। अमेलिया केर का उससे पहले 37 रन, 3 विकेट, फिर 40 रन 1 विकेट, 6 रन, 2 विकेट, फिर 43 रन। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि अमेलिया केर इस मुकाबले में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनती हैं, और यह सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी, और 40-50% लोग इनको अपनी टीम में कप्तान रखेंगे। तो आपको इनको कप्तान रखना है केवल स्मॉल लीग की टीम में, ग्रैंड लीग में कुछ यूनिक करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। सूजी बेस्ट का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है रिसेंट में, पिछले दोनों वार मुकाबले छोड़ दिया जाए तो उससे पहले 34 रन, 33 रन, 38 रन और 43 रन की इन्होंने पारी खेली है। भले ही इनका टीम रिसेंट में 5 मुकाबला हारे हैं, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड तो इंडिया के खिलाफ अच्छा है ही। बाकी सोफी डिवाइन भी इस मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन रहेंगी और सेफ ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में 24 रन, फिर 35 रन, उससे पहले लगातार 4 मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, लेकिन फिर 58 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों इनका भी टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस अच्छा है, और ये ज्यादातर मुकाबले इसलिए जीती हैं क्योंकि इनके जो खिलाड़ी हैं टॉप ऑर्डर में वो बैटिंग भी कर लेती हैं, बॉलिंग भी, तो बहुत ही अच्छी इनका कॉम्बिनेशन है। फिर ब्रूक हेलडी की बात करें, इनका दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस था, रिसेंट में 11 रन, 2 विकेट, 5 रन, 1 विकेट। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी कभी बॉलिंग कराती हैं, तो इनको आपको तभी लेना है, और जॉर्जिया पिल्मर को भी आपको तभी लेना है जब दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन की टीम पहले बैटिंग करे, तो नहीं तो दोस्तों आप लोग इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं। टॉप के 3 तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है, इनको तो लेकर चलना है, बाकी यहाँ पर ब्रूक हेलिडे और जॉर्जिया पिल्मर को आपको तभी लेना है जब न्यूजीलैंड वोमेन की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। मैडी ग्रीन का भी परफॉर्मेंस रिसेंट में कुछ खास नहीं है, तो इनको भी आपको नहीं लेना है। यहाँ पर एज गेज का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, इजाबेल गेज, इनका भी आपको नहीं लेना है, पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेली है। ज्यादातर दोस्तों आपको टॉप के 3 पर फोकस करना है, क्योंकि वही मैक्सिमम 70% मैचेस में स्कोर करेंगी। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑलराउंडर से लेगी कैस्परे को रख सकते हैं, ली टाहू को रख सकते हैं, जेस्केर को भी रख सकते हैं, फ्रैंक जोन्स को रख सकते हैं। तो बाकी दोस्तों कैस्परे की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में 3 विकेट इनको मिला है, रिसेंट में लगातार हर मुकाबले में 1 विकेट ली है। ली टाहू का भी रिसेंट में सारे मुकाबले में विकेट है। तो यहाँ पर जो मैंने नाम बताया
टॉप के तीन और नीचे से कैस्परे कॉलली टाहो, ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। बाकी सारे थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे। इधर से जेस केयर और फ्रेंच जोनस की बात करें तो इन दोनों में से आपको लोग टॉस के हिसाब से दोनों को रख सकते हैं, अगर यहाँ पर इनकी टीम पहले बॉलिंग कराती है तब, नहीं तो आप लोग इन दोनों में से किसी को नहीं लेना है। तो ये होगी दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन की रिसेंट फॉर्म, कुछ खास तो नहीं है, केवल टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स का ही ठीक ठाक है। अब इनके जो बेंच पर बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ईडी कार्सन खेल सकती हैं क्योंकि रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था वार्म अप मैच में और उससे पहले भी। बाकी दोस्तों इनके ज्यादातर बॉलर्स ही हैं जो बेंच पर बैठी हुई हैं, तो बॉलिंग में ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक बैट्समैन हो सके कम खेले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि हेड टू हेड में तो न्यूजीलैंड वोमेन का पकड़ा भारी है ही, इसीलिए दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओपनर सूजी बेस्ट 30 का एवरेज है, 8 मुकाबले में 250 के स्कोर किए हैं, 2 विकेट ली हैं। एमेलिया केर का 51 रन ही बनाई है लेकिन 6 मुकाबले में 6 विकेट ली हैं। सोफी डिवाइन का 30 का एवरेज है, 9 मुकाबले में 9 विकेट थे। ये जो तीन खिलाड़ी हैं यही 270% मैच जिताती हैं, तो इनके ऊपर ही आपको फोकस करना है। बाकी ब्रूक हेलडी 7 का एवरेज है, बाकी मैडी ग्रीन का 17 का है। बॉलिंग से दोस्तों कैस्परेक 6 मुकाबले में 8 विकेट ली है इंडिया खिलाफ और 7 मुकाबले में दोस्तों 7 विकेट ली ताहू ने लिया है। तो ये हो गए दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया वोमेन। तो ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस जो कि अभी आप लोग देख लिए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन हमारी क्या निकल कर आती है। तो ये दोस्तों हमारी यहाँ पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन रहने वाली है जो कि हमारी कप्तान रहेंगी अमेलिया केर, जो कि फिलहाल तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है, 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी। दीप्ति शर्मा को मैंने वाइस कप्तान किया है क्योंकि रिसेंट के सारे मैचेस में दीप्ति शर्मा ने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो बायलेटरल सीरीज हो। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दो कैप्टन वाइस कैप्टन। विकेट कीपर से मैंने ऋचा घोष को रखा है, ये दोस्तों हमारी कंपलसरी नहीं है, इनकी जगह पर मैं रोटेट कर सकता हूँ। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर को मैंने लिया है, सूजी बेस्ट को मैंने लिया है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से मैंने टॉप के तीन खिलाड़ी को लिया है, सूजी बेस्ट को मैंने लिया है, सोफी डिवाइन, अमेलिया केर, जो कि मैक्सिमम 70% रन इन्होंने ही बनाना है बॉलिंग से चाहे बैटिंग से। उसके बाद बॉलिंग से मैंने ली टाहू को मैंने लिया है। तो 4 मैंने यहाँ पर बेस्ट मैंने लिया है दोस्तों खिलाड़ी न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से। इंडिया वोमेन की तरफ से पूजा वस्त्राकर तो बेस्ट रहेंगी ही, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। और यहाँ पर मैं शिफाली वर्मा की जगह पर हरमनप्रीत कौर को रखा हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर। तो इस टीम में चेंजेस ये हो सकता है कि आप लोग हरमनप्रीत कौर की जगह पर शिफाली वर्मा को रख सकते हैं, ऋचा घोष की जगह पर कोई और विकेट कीपर को रख सकते हैं चाहे वो न्यूजीलैंड वोमेन की हो, क्योंकि ऋचा घोष का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। बाकी दोस्तों कोई भी चेंजेस होने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस और टीम अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।